असलम दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर एंड द नेक्स्ट डिजीज इज़ निमोनिया वी ऑल आर फेमिलियर विद निमोनिया आप सबको इसमें पता है निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स अगेन लंग्स का इन्फेक्शन है इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स अगर दोनों लंग्स इसमें अफेक्ट हो रहे हैं इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया आपने सुना होगा डबल नमोनिया तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट के दोनों लंग्स जो हैं वो उसमें इन्फेक्शन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज बैक्टीरियम दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाप्टोको निमोनिया यहाँ आप ये याद रखें कि बुक में कम्प्लीट नेम नहीं लिखा हुआ सिर्फ एस लिखा है एंड द एस इज फॉर बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोको निमोनिया वायरल इंफ्लुजा वायरसेस एंड फंगल इन्फेक्शन में ऑल्सो रिलेट टू द निमोनिया मतलब वायरल भी हो सकता है और ये फंगल भी हो सकते हैं नाओ द साइन एंड द सिमटम्स वेन द कोजिटिव ऑर्गेनिजम एंटर द एल्वियोलाई अब कोजिटिव ऑर्गेनिज्म uh, क्या है कौन से हैं जो कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकता है वो वायरस भी हो सकता है वो फंगस भी हो सकता है ठीक है तो जब ये वहाँ पे जा एंटर हो जाते हैं कहाँ एलवियोलाई में तो वो वहाँ पे बैठ जाते हैं सेटल हो जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और जो एरिया है पूरा वो किससे फील हो जाता है फ्लूड एक वाटरी सब्सटेंस और पस पस आपको पता है जिसे पी कहते हैं और इसके निमोनिया के सिम्टम्स हैं सब जानते हैं इसमें क्या लगता है सर्दी होती है ठीक है सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है और खांसी होती है विद स्पूटम प्रोडक्शन यानी कि बलगम म्यूकस स्पूटम ये वर्ड जो हैं बलगम के लिए इस्तेमाल होते हैं थूक बार बार फेंकना थूक भी कह सकते हैं पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ छोटे छोटे तेजी के साथ सांस आते हैं और द पेशेंट स्किन बिकम रस की उसका रस की मीन उसका कलर में चेंज आ जाता है ठीक है या पर्पलिश सा हो जाता है और वो किस वजह से होता है कि ऑक्सीजन क्योंकि सही तरह अंदर नहीं जा रही होती बॉडी के ठीक है आपने देखा होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को तो छोटे बच्चों को भी तो उनकी बॉडी जो है ब्लू होना शुरू हो जाती है पर पर्पलिश या ब्लूइश दैट इज़ ड्यू टू द डी क्योंकि ब्लड में प्रॉपर अमाउंट नहीं होती ऑक्सीजन की ठीक है नेक्स्ट काम द ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स इसकी ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन्स यूज़ होती हैं ठीक है वैक्सीनेशन होती है और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं नेक्स्ट डिजीज इज़ एस्थमा एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी एलर्जी की फॉर्म है इन विच देर इज़ अ इन्फ्लेमेशन दोबारा सूज जाती हैं ऑफ द ब्रोंका ब्रोंकाए और मोर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस म्यूकस बहुत ज़्यादा बलगम बहुत ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से एयर वे जो रास्ता है हवा का वो नैरो हो जाता है छोटा हो जाता है कॉजेज क्या है इन एजा पेशेंट द ब्रोंकाए एंड ब्रोंकी बिकम सेंसटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस एलर्जेंस क्या हैं वो फैक्टर्स uh, जो एलर्जी कॉज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डस्ट एलर्जी होती है किसी को स्मोक से एलर्जी होती है किसी को परफ्यूम से होती है और आपने यहाँ बहुत ज़्यादा सुना होगा पोल पोलन जो है बहुत ही सीट लाइट स्ट्रक्चर होते होते हैं जब ग्रोइंग सीज़न होता है तो फ्लॉर जो है वो अपने पोलन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और वो इतने इतने माइन्यूट होते हैं इतने वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि वो सांस के साथ जो है अंदर चले जाते हैं तो इसलिए लोगों को पोलन एलर, एलर्जी हो जाती है और जब ये ऐसा पेशेंट जब किसी भी आ, एलर्जन को फेस करता है जैसे कि परफ्यूम डस्ट स्मोक तो एकदम से जो है रिस्पॉन्स करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीदिंग सिम्टम्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स द सिम्टम ऑफ एसमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक से दूसरे ए, उसमें मुख्त होते हैं द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एस्पेशली विद एक्सीशन और एट नाइट यानी रात के वक्त ज़्यादा होता है वेजिंग, यानी विस्लिंग साउंड आवाज के साथ आ, सांस आना जब सांस ले रहे हूँ काफ खांसी एंड चेस्ट टाइटनेस सीना जो है वो जकड़ा हुआ महसूस होता है This is the figure of asthma. Now here we completed our lecture. We done all the four diseases with all the headings. Always keep smiling. Allah face.